जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत के पहले ओलंपियन, जिन्हें नजरअंदाज कर पाना बेहद मुश्किल है, जो पहले ओलंपिक पदक विजेता रहे, जिन्हें अक्सर भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक नायक कहा जाता है, वो है नॉर्मन पिचार्ड। नॉर्मन का जन्म साल 1877 में कोलकाता में हुआ और सेंट जवेरियस कॉलेज से पढ़ाई की। इसी कॉलेज से उन्होंने एथलेटिक्स करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे देश भर में छा गए। यहीं से उन्हें ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिला। साल 1990 में पेरिस ओलंपिक में हुए ओलंपिक खेलों में नॉर्मन ने दो ट्रैक इवेंट में दो सिल्वर मेडल जीते, जिसमें उन्होंने 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में भारत के लिए मेडल जीते। भारत के मेडल के सफर की कहानी उन्हीं के साथ शुरू हुई। खेल की दुनिया में तो वो जाना माना नाम है। नॉर्मन सिर्फ भारत की ओर से ही नहीं बल्कि एशिया की ओर से भी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। साल 1900 में भी वो अकेले ही इन खेलों में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने 5 इवेंट में हिस्सा भी लिया। साल 2005 और 2004 में ओलंपिक के लिए ट्रैक एंड फील्ड के आधिकारिक रिकॉर्डों की किताब जारी की थी, जिसमें लिखा गया था कि नॉर्मन ने ब्रिटेन की ओर से हिस्सा लिया और इसी वजह से उनके मेडल्स को ग्रेट ब्रिटेन के रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लेकिन IOC के मुताबिक नॉर्मन ने भारत की ओर से हिस्सा लिया और मेडल्स को भारत के कोटे में शामिल किया गया। नॉर्मन को भारत के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। भारत की पहली आधिकारिक ओलंपिक टीम साल 1920 में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता मिलने के बाद बनाई गई। आजाद भारत के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट दोराबजी टाटा ने उस टाइम के बॉम्बे गवर्नर जॉर्ज लॉर्ड के साथ इसकी पहल की और कमेटी बनाई। भारत से 5 एथलीट्स को इसमें हिस्सा लेने के लिए भेजा गया, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि खेलों की दुनिया को अलविदा कहने के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। साल 1905 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए वो अमेरिका चले गए और साल 2002 में इस बात का खुलासा हुआ कि नॉर्मन हॉलीवुड में नॉर्मन ट्रेवर के नाम से काम करते हैं। उन्होंने कुछ साइलेंट फिल्मों में काम किया, जिसके पोस्टर काफी समय के बाद फैंस के सामने आए। नॉर्मन का पूरा नाम गिल्बर्ट नॉर्मन पिकार्ड है और स्क्रीन के लिए उन्हें नॉर्मन ट्रेवल के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार के सभी पुरुषों के नाम इन्हीं नामों के ऊपर रखे गए। उनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों के पास है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में 27 साइलेंट फिल्में और 26 नाटकों में काम किया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले ओलंपियन थे। 30 अक्टूबर 1929 को एक दिमागी बीमारी की वजह से लॉस एंजलिस में उनका निधन हो गया। लेकिन एक खिलाड़ी कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अपने रिकॉर्ड्स की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक शेयर।